Hello students, welcome to LN Digital. So today we are going to learn a special type of series that is called exponential series. Sir, हमने काफी सारी type की series पढ़ी, हमने method of difference पढ़ा, हमने arithmetic geometric series पढ़ा, हमने telescopic series पढ़ी. तो सर इस सीरीज में क्या है? देखो ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि काफी सारे क्वेश्चंस इस पे पूछे जाने लग गए हैं. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. एक्सपोनेंशियल सीरीज पढ़ने के लिए हमें क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट है, क्या क्या पॉइंट हमें याद होना चाहिए, लेट्स सी. तो सबसे पहले बात करते हैं हम एक्सपेंशन की. e की पावर x का एक्सपेंशन, e की पावर x का एक्सपेंशन होता है बच्चों 1 प्लस x अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस x स्क्वायर डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल प्लस x क्यूब डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल. ठीक है, फिर मैं बात करूं e की पावर माइनस x का एक्सपेंशन, वो कैसे ऑब्टेंड होगा? x की जगह माइनस x पुट कर दिया, x की जगह माइनस x पुट करेंगे तो यहां पे माइनस आ जाएगा, x स्क्वायर पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, यहां पे माइनस आ जाएगा. तो e की पावर x का एक्सपेंशन हमें याद होना चाहिए और e की पावर माइनस x का एक्सपेंशन याद होना चाहिए. अच्छा, इसको कैसे लिख सकते हैं? अगर मैं x की जगह 1 पुट कर दूं यहां पे इस वाले एक्सपेंशन में, अगर मैं x की जगह 1 पुट कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा? 1 प्लस 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल टिल इंफिनिटी. इसको हम क्या लिख सकते हैं? सिग्मा n इज इक्वल टू 0 से लेके इंफिनिटी 1 अपॉन n फैक्टोरियल, और वो हो जाएगा e की पावर 1 क्योंकि हमने x की जगह 1 पुट किया. ऐसे ही अगर सिमिलरली आप देखेंगे तो e की पावर माइनस 1 का एक्सपेंशन आपको दिखाई देगा जब हम यहां पे x की जगह क्या पुट कर देंगे, x की जगह 1 पुट कर देंगे. जैसे ही x की जगह 1 पुट करेंगे तो e की पावर माइनस 1 का एक्सपेंशन हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल, जिसको हम लिख सकते हैं माइनस 1 की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल. तो बेटू ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है एक्सपोनेंशियल सीरीज के सवाल सॉल्व करने के लिए. क्या सर इतने से काम हो जाएगा? यस डेफिनेटली. देखिए कैसे सवालों को सॉल्व करते हैं. स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सवाल से. सबसे पहला सवाल हमें क्या दिया हुआ है? द सम ऑफ द सीरीज 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 4 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 6 फैक्टोरियल, इसका वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है. सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले e की पावर x का एक्सपेंशन देखेंगे, वो होता है 1 प्लस x अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल प्लस x क्यूब डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल. राइट, इस तरह से चलता जाएगा. फिर हम लिखेंगे e की पावर माइनस x का एक्सपेंशन, वो होगा 1 माइनस x अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस का x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल माइनस x क्यूब डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल प्लस, ये चलता जाएगा. सर ये तो हमें याद है, तो इसी से तो सवाल होगा. ठीक है, अब ध्यान से देखिए, हमें 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल चाहिए प्लस 1 अपॉन 4 फैक्टोरियल चाहिए. कैसे मिलेगा? अगर मैं इन दोनों सीरीज को ऐड कर दूं, अगर इन दोनों सीरीज को मैं ऐड कर दूं बच्चों तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x, ऐड करने पे यहां पे 2 आ जाएगा प्लस ये हो जाएगा 2 टाइम्स, या हम ऐसा कह सकते हैं कि ये वाली टर्म्स कैंसिल हो रही है और हर टर्म कितनी बार आ गई? 2 बार आ गई. तो हर टर्म अगर 2 बार आ गई तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? वी कैन राइट इट लाइक दिस, है ना. तो देख लेते हैं कैसे लिखेंगे इसको. 2 कॉमन निकाल लेंगे, ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल, ये ऐसे चलता जाएगा. राइट, अब सर क्या करें? x की जगह 1 पुट कर दो. अगर आप x की जगह 1 पुट कर दोगे तो आपको मिलेगा क्या? ये हो जाएगा e प्लस ये हो जाएगा 1 बाय e और डिवाइडेड बाय 2, ये 2 को नीचे लेके आ गए. x की जगह 1 पुट करने पे मिल जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन कितना मिल जाएगा? 4 फैक्टोरियल. ये इस तरह से चलता जाएगा. हमें रिक्वायरमेंट है केवल इतने सम की, तो हमें 1 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. तो क्या मिल जाएगा बच्चों? देखिए e प्लस 1 बाय e डिवाइडेड बाय 2 और माइनस का 1. एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा e प्लस 1 बाय e माइनस का 2 डिवाइडेड बाय 2. क्या मैं इसको लिख सकता हूं? देखिए e प्लस 1 बाय e माइनस का 2, इसको क्या लिखेंगे? या तो आप एलसीएम ले लीजिए या फिर आप एक काम करिए, हाँ एलसीएम ले लेते हैं. तो ये जाएगा e स्क्वायर और यहां पे आ जाएगा माइनस का 2e प्लस का 1 डिवाइडेड बाय 2e, यानी ये हो जाएगा आपका e माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2. लेट्स चेक द ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है. तो बी ऑप्शन आपका मैच कर जाएगा, दैट इज e माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2e. समझ में आया बच्चों कैसे करना है? केवल e की पावर x और e की पावर माइनस x, x के एक्सपेंशन के साथ खेलना है. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते अगला सवाल देखते हैं. अगला सवाल है 1 प्लस 1 अपॉन 4 इंटू 2 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 16 इंटू 4 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 64 इंटू 6 फैक्टोरियल. ये थोड़ा भयानक सा लग रहा है सर, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए सबसे पहले वही एक्सपेंशन, क्या मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं? e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x डिवाइडेड बाय 2. ये हमने क्या लिखा था? ये हमने लिखा था 1 प्लस x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल, इसी तरह से लिखा गया था बच्चा. अब हमें क्या चाहिए यहां पे? हमें बनाना है 1 प्लस 1 अपॉन 4 इंटू 2 फैक्टोरियल 1 अपॉन 16 इंटू 4 फैक्टोरियल. कैसे बनेगा सोचो, इस एक्सपेंशन को सोचो आप. इस एक्सपेंशन से मुझे ये कैसे मिलेगा? चमका थोड़ा सा,
हाँ सर, एक्स की वैल्यू अगर हम 1/2 पुट कर देंगे तो हमें एक्सपेंशन मिल जाएगा. यस, पुट एक्स इज इक्वल टू 1/2. तो यहां पे हम x का वैल्यू क्या पुट कर देंगे बच्चों, 1/2. जैसे ही 1/2 पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा रूट ई, ये हो जाएगा 1/√e. x की जगह 1/2 पुट करेंगे तो, और ये आ जाएगा 2. यहां पे अगर 1/2 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 1 + 1/4 × 2 factorial. ये बन जाएगा 1/16 × 4 factorial एंड दैट इज रिक्वायर्ड. इसी का तो वैल्यू हमें चाहिए था. अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, इसका एलसीएम ले लीजिए. इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा e + 1/√e एंड दैट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. आप देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर. तो होपफुली आपको यह बात समझ में आई होगी कि किस तरह से हम e^x और e^-x का एक्सपेंशन यूज करके सीरीज का सम कैलकुलेट कर सकते हैं. तो चलिए कुछ और डिफिकल्ट PYQs देखते हैं, और डिफिकल्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे. देखिए भोकाली सवाल है भैया, बहुत खतरनाक सवाल है. इस सवाल को कैसे सॉल्व किया जाएगा, देखिए अब यहां पर यह पूरा सीरीज दिया हुआ है. ये ए प्लस का बी बाई प्लस सी के बराबर दिया हुआ है. हमें वैल्यू निकालना है a² - b + c का, जहां पे e का वैल्यू ये हो गया. ठीक है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे देखते हैं. अगर इस सिग्मा को मैं सॉल्व करना चाहूं तो सबसे पहले मैं सिग्मा को क्या करूंगा, सेपरेट करूंगा. सेपरेट कैसे करूंगा, ये पूरा पार्ट डिवाइडेड बाय ये पूरा पार्ट. तो आप देख सकते हैं 2n factorial से 2n factorial कैंसिल होगा, हमारे पास केवल बचेगा n³ / n factorial. जी हां सर. प्लस आगे बढ़ते यहां पे ये वाला पार्ट डिवाइड बाय ये वाला पार्ट सेपरेट करेंगे तो n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा. हमारे पास बचेगा सिग्मा n इज इक्वल टू 0 से लेके इनफिनिटी. क्या बचेगा देखिए, व्हाट विल बी लेफ्ट, इट इज 2n - 1 डिवाइडेड बाय 2n का फैक्टोरियल, राइट. ये हमारे पास बचेगा. अब क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है e की फॉर्म में, क्योंकि आंसर e की फॉर्म में दिया हुआ है. तो e की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे देखिए, क्या इस n³ / n factorial की बात करूं तो n³ / n factorial की अगर मैं आपसे बात करूं तो n³ / n factorial को कैसे लिख सकते हैं बच्चों, आप इसको लिख सकते हैं n² / n-1 का फैक्टोरियल. जी हाँ सर, लिख सकते हैं. कैसे लिखा, n फैक्टोरियल को लिख दिया n × n-1 का फैक्टोरियल, तो n से n कैंसिल हो गया. इसके बाद क्या कर सकते हैं सर, इसके बाद इसमें +1 कर दो और -1 कर दो और डिवाइड बाई नीचे कितना आ जाएगा, n-1 का फैक्टोरियल. जी हाँ सर, इसको अलग अलग कर दो, सेपरेट कर दो, मतलब एक हो जाएगा n-1 n+1 / n-1 का फैक्टोरियल और एक आ जाएगा 1/(n-1) का फैक्टोरियल. बिल्कुल सही बात है सर, क्योंकि n² - 1 को मैंने लिख दिया n-1 × n+1, तो n-1 इस तरह से क्यों लिखा अभी समझ में आएगा. क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, n-1 से n-1 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि n-1 फैक्टोरियल को लिख सकते हो n-1 × n-2 का फैक्टोरियल. तो यहां पे आ जाएगा n+1/(n-2) का फैक्टोरियल और ये हो जाएगा +1/(n-1) का फैक्टोरियल. क्या इसको फर्दर ब्रेक कर सकते हैं सर, बिल्कुल कर सकते हैं. यहां पे -2 और +2 कर दो. जैसे ही यहां पे -2 और +2 करोगे तो क्या होगा, मैं अगली स्लाइड में आपको दिखाता हूं. ये हमारे पास क्या लिखा हुआ है देखिए, n+1/(n-2) का फैक्टोरियल लिखा हुआ है और प्लस कितना लिखा हुआ था, प्लस हमारे पास कितना लिखा हुआ था, 1/(n-1) का फैक्टोरियल. ये हम सारा का सारा मैन्युपुलेशन n³/n factorial के लिए कर रहे हैं बच्चों. देखिए अब इसको सॉल्व करोगे तो n-2 और +3 कर दो यहां पे और डिवाइड बाय n-2 का फैक्टोरियल +1/(n-1) का फैक्टोरियल, फिर से सेपरेट कर दो. n-2/(n-2) का फैक्टोरियल कितना बनेगा बताओ, 1/(n-3) का फैक्टोरियल. क्यों बनेगा, क्योंकि इसको लिखेंगे n-2 × n-3 का फैक्टोरियल, तो n-2 से n-2 कैंसिल हो जाजाएगा और आ जाएगा +3/(n-2) का फैक्टोरियल और +1/(n-1) का फैक्टोरियल. तो ये इस तरह से हमने ब्रेक कर दिया. अब जो सवाल लिखा हुआ था हमारे पास वो क्या लिखा हुआ था देखिए, यहां से हमें कैलकुलेट करना है. तो इसको हम कैसे लिखेंगे देखिए, सिग्मा n इज इक्वल टू 0 से लेके इन्फिनिटी. ये हमारे पास किस किस पे कन्वर्ट हो गया, एक तो हो गया 1/(n-3) का फैक्टोरियल प्लस एक हो गया सिग्मा n इज इक्वल टू 0 से लेके इन्फिनिटी. 3 को बाहर निकाल लें, 1/(1) कितना हो जाएगा ये देख लेते हैं अभी अगली स्लाइड पे. 3/(n-2) का फैक्टोरियल, दिस इज 3/(n-2) का फैक्टोरियल और प्लस सिग्मा n इज इक्वल टू 0 से लेके इन्फिनिटी. ये क्या बन गया हमारे पास, 1/(n-1) का फैक्टोरियल, दिस इज 1/(n-1) का फैक्टोरियल और प्लस ये सिग्मा तो चलता जा रहा है n इज इक्वल टू 0 से लेके इन्फिनिटी 2n-1 / 2n का फैक्टोरियल, राइट. बात समझ में आती है. चलिए अब अलग अलग सिग्मा को सॉल्व करते हैं. जैसे ही अगर मैं इस सिग्मा को लिखूंगा तो n = 3 से लेके इन्फिनिटी लिखूंगा, दिस इज 1/(n-3) का फैक्टोरियल. भाई साहब
एन थ्री से स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर एन थ्री से स्टार्ट नहीं किया तो यहां नेगेटिव आ जाएगा फैक्टोरियल में, और नेगेटिव नंबर का फैक्टोरियल डिफाइन नहीं होता, ये आप जानते हैं। यहां पे थ्री टाइम्स अगर मैं बात करूं तो एन का वैल्यू मुझे टू से स्टार्ट करना पड़ेगा, टू से लेकर इन्फिनिटी वन अपॉन एन माइनस टू का फैक्टोरियल, और यहां पे आप देखेंगे तो वन से स्टार्ट करना पड़ेगा, एन बराबर वन से लेकर इन्फिनिटी वन अपॉन एन माइनस वन का फैक्टोरियल, और प्लस ये जो भी क्वांटिटी लिखी हुई लास्ट में इसको हम अभी इवेल्युएट करेंगे, टू एन माइनस वन अपॉन टू एन को फैक्टोरियल को इवेल्युएट करेंगे। अभी देखिए सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं, अगर मैं थ्री पुट करूंगा तो वन अपॉन जीरो फैक्टोरियल, वन अपॉन वन फैक्टोरियल प्लस वन अपॉन टू फैक्टोरियल से ये चलता जाएगा, तो एक्चुअल में बनेगा क्या, ये किसका एक्सपेंशन लिखा हुआ है, यस ये ई का एक्सपेंशन लिखा हुआ है प्लस थ्री टाइम्स। एन का वैल्यू अगर मैं टू पुट करूंगा बच्चों तो बताओ क्या बनेगा, वन अपॉन जीरो फैक्टोरियल प्लस वन अपॉन वन फैक्टोरियल प्लस वन अपॉन टू फैक्टोरियल, किसका एक्सपेंशन बनेगा, फिर से ई का बनेगा, और यहां पर देख लो फिर से किसका एक्सपेंशन बन जाएगा, ई का एक्सपेंशन बन जाएगा, तो अल्टीमेटली हमारे पास कितना हो गया, फाइव ई हो गया यहां पे, और ये वाला एक्सपेंशन चलिए कैलकुलेट करते हैं, तो ये आ जाएगा आपके पास फाइव टाइम्स ई प्लस सिग्मा एन इज इक्वल टू जीरो से लेके एन, ये आ जाएगा टू एन माइनस वन अपॉन टू एन का फैक्टोरियल। भाई डिफिकल्ट तो नहीं लग रहा ना तुम्हें सवाल, कैलकुलेटिव है, डिफिकल्ट नहीं है, बस सेपरेट करते जाओ और देखते जाओ कि एक्सपेंशन किसका बनता जा रहा है, ठीक है। अब यहां पर सॉल्व करते हैं, यह आ जाएगा फाइव टाइम्स ऑफ ई प्लस सिग्मा एन इज इक्वल टू जीरो से लेके इन्फिनिटी। सर इसको क्या करें, इसको आप ऐसे लिख लो, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, वन अपॉन टू एन माइनस वन का फैक्टोरियल माइनस वन अपॉन टू एन का फैक्टोरियल, ठीक है। कैसे, एलसीएम लेके देख लो, वन अपॉन टू एन माइनस वन का फैक्टोरियल है और माइनस वन अपॉन इसको लिख सकते हैं टू एन इंटू टू एन माइनस वन का फैक्टोरियल, तो वन अपॉन टू एन माइनस वन का फैक्टोरियल कॉमन निकाल लो, अंदर कितना बचेगा टू एन माइनस वन अपॉन टू एन, तो देख सकते हैं 2n into 2n minus 1 का factorial, it's 2n का factorial, और ऊपर बचेगा 2n minus 1। अब इसका सम कैलकुलेट करना है, इसका सम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसका सम कैलकुलेट करेंगे आप इस तरीके से, दोनों के लिए अलग अलग वैल्यू निकालिए, जैसे यहां पे देखेंगे तो सिग्मा ब्रेक करूंगा तो n का वैल्यू कहां से स्टार्ट होगा, n का वैल्यू 1 से स्टार्ट होगा इन्फिनिटी 1 अपॉन 2n minus 1 का फैक्टोरियल, और माइनस यहां पे n इज इक्वल टू जीरो से लेके इन्फिनिटी 1 अपॉन 2n का फैक्टोरियल। चलिए कैलकुलेट करते हैं, तो ये आ जाएगा 5e, अगर मैं यहां पे देखूंगा n को 1 पुट करूंगा तो ये मिलेगा 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस ये मिलेगा 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 5 फैक्टोरियल, इस तरह से चलता जाएगा। माइनस ये कितना मिलेगा, इनको 0 पुट करूंगा तो 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 4 फैक्टोरियल, इस तरह से मिलेगा। अच्छा ये एक्सपेंशन आप देखिएगा, 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल से 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, ये मिलेगा 1 अपॉन 3, मतलब इसको सीरीज में अरेंज करेंगे तो ऐसा दिखाई देगा, मैं आपको बताता हूं, ये आपको ऐसा दिखाई देगा, देखिए माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल माइनस 1 अपॉन 4 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 5 फैक्टोरियल, ठीक है, इस तरह से चलता जाएगा। जब इसका एक्सपेंशन आप देखेंगे ना तो ये आप e की पावर माइनस x का एक्सपेंशन लिखना और उसमें x की जगह 1 पुट करना, e की पावर माइनस एक्स का एक्सपेंशन लिखना उसमें x की जगह 1 पुट करना और उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देना, ये मिल जाएगा, यानी ये एक्सपेंशन लिखा हुआ है e की पावर माइनस 1 का और बीच में माइनस आएगा क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई किया है, तो अल्टीमेटली ये बन जाएगा 5e माइनस का 1 बाय e। अब कैलकुलेट किसने करना था, कैलकुलेट करना था इसको ए ई प्लस का बी बाय ई और प्लस का सी, चेक कर लेते हैं एक बार किससे कंपेयर करना था, ए बाय ई प्लस बी बाय ई प्लस का सी, तो आप देख सकते हैं a का वैल्यू 5 आ गया, b का माइनस 1 आ गया, c का 0 आ गया, देख लेते एक बार क्या हो गया, a का वैल्यू 5 आ गया, b का वैल्यू माइनस 1 आ गया और c का वैल्यू 0 आ गया, हमें चाहिए a स्क्वायर माइनस b प्लस c, यानी 25 प्लस 1 26 और प्लस 0, तो इसका फाइनल आंसर जो आएगा वो किसके बराबर आएगा बच्चों, 26 के बराबर, एंड दैट इज द क्वेश्चन दैट हैज बीन आस्क्ड, इट इज अ PYQ। होप यू हैव एंजॉयड, मैंने ये सवाल जानबूझ के लिया है, कैलकुलेशन भी थी और सीखने का बहुत अच्छा मौका था एक्सपोनेंशियल सीरीज, राइट। चलिए कुछ और सवाल भी देखते हैं, ये देखिए अगेन अ PYQ, तो इस सवाल को सॉल्व करते हैं, सबसे पहले हमें SN दिया हुआ है और SN को कैलकुलेट करके यहाँ पे पुट करना है, मैं आपको भी मौका दूंगा, चिंता मत करो कैसे सवाल को सॉल्व करना है ना, एक सवाल आपके लिए भी है, तो SN को देखिए ध्यान से, SN क्या लिखा हुआ है, क्या मैं SN को ऐसे लिख सकता हूँ, सिग्मा, आप देखिए 1 के बाद 2 आ रहा है, 2 के बाद 3 आ रहा है, ये चलता जा रहा है, यहाँ पे n माइनस वन आ रहा है, n माइनस टू आ रहा है, क्या मैं इसको r इंटू n माइनस आर लिख सकता हूं, अगर आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, r का वैल्यू सबसे पहले 1 से स्टार्ट होगा, कहां तक जाएगा ये ऑब्जर्व करो, ये जाएगा n माइनस 1 तक। सर ऐसे कैसे, क्योंकि जब n माइनस 1 पुट करोगे तो r की जगह n माइनस 1 बनेगा और यहां पे r की जगह n माइनस 1 पुट करोगे तो 1 बनेगा, तो n माइनस 1 इंटू 1। अब इसको ब्रेक कर लेते हैं SN को, तो SN हो जाएगा सिग्मा r इज इक्वल टू से लेके n माइनस 1,
एन बाहर आ जाएगा आर का सिग्मा, माइनस सिग्मा आर इज इक्वल टू वन से लेके एन माइनस वन, और यहां पे आ जाएगा आर स्क्वायर, ये हो जाएगा सम ऑफ एन माइनस वन नेचुरल नंबर। सम ऑफ एन माइनस वन नेचुरल नंबर, एन नेचुरल नंबर का सम क्या होता है, एन इंटू एन प्लस वन बाई टू, उसमें एन की जगह क्या पुट करना है, एन माइनस वन, तो यह आ जाएगा एन इंटू एन माइनस वन, एन इंटू एन प्लस वन, तो वो एन आ जाएगा और डिवाइडेड बाई टू, माइनस यहां पे आ जाएगा एन इंटू एन प्लस वन टू एन प्लस वन बाई सिक्स, पर एन की जगह एन माइनस वन, तो एन माइनस वन इंटू में एन, और यहां पे क्या मिलेगा टू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई सिक्स। चलो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, ये भी कैलकुलेट होने वाला है, यहां से आप कॉमन निकाल लीजिए, एन इंटू एन माइनस वन बाई टू कॉमन निकाल लो, तो हमारे पास क्या बचेगा, यहां पे एन बचेगा और माइनस हमारे पास बचेगा टू एन माइनस वन डिवाइडेड बाय कितना बचेगा बच्चों थ्री। अब इसको सॉल्व कीजिए, तो यह आ जाएगा एन इंटू एन माइनस वन डिवाइड बाई सिक्स, यह आ जाएगा थ्री एन माइनस टू एन और प्लस का वन, यानी यहां पे n प्लस वन बचेगा, तो n प्लस वन इंटू एन माइनस वन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा n इंटू एन स्क्वायर माइनस वन डिवाइडेड बाय सिक्स। ये हमारा क्या निकल के आया, दिस इज अवर Sn, n इंटू एन स्क्वायर माइनस वन डिवाइडेड बाय सिक्स। अब हमें इसका वैल्यू कैलकुलेट करना है, देखिए तो कैलकुलेट करते हैं, क्या लिखा हुआ है, सिग्मा n इज इक्वल टू फोर से लेके इन्फिनिटी, यहां पे लिखा ट्वाइस ऑफ Sn, Sn का मतलब n इंटू एन स्क्वायर माइनस वन डिवाइडेड बाय सिक्स, और डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है, n इंटू एन स्क्वायर माइनस वन डिवाइडेड बाई सिक्स के पहले क्या लिखा हुआ है, डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल, यहां पे पहुंच गए, और माइनस वन अपॉन n माइनस टू का फैक्टोरियल लिखा हुआ है। एक बार मैं फिर से चेक कर लेता हूं, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। अब इसको सॉल्व करना है, तो वन बाई थ्री तो बाहर आ गया, सिग्मा n इज इक्वल टू फोर से लेके इन्फिनिटी, ये कितना बनेगा, देखिए n से n कैंसिल हो जाएगा भाई, टू की टेबल से तो थ्री टाइम्स कैंसिल हो गई है, तो वन बाई थ्री बाहर निकाल लिया, n से n फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, तो n माइनस वन का फैक्टोरियल बचा, तो एन स्क्वायर माइनस वन डिवाइडेड बाय एन माइनस वन का फैक्टोरियल, और माइनस वन अपॉन एन माइनस टू का फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा वन बाई थ्री, सिग्मा एन इज इक्वल टू फोर से लेके इन्फिनिटी, फैक्टर करेंगे फिर से, सेम टाइप मिल रहा है, एन स्क्वायर माइनस वन को एन माइनस वन एन प्लस वन, एन माइनस वन एन माइनस वन कैंसिल, तो ये बनेगा एन प्लस वन अपॉन एन माइनस टू का फैक्टोरियल, और माइनस वन अपॉन एन माइनस टू का फैक्टोरियल। ठीक है बच्चों, अब यहां पे ये जो वन बाई थ्री था ये इसके साथ था, ये बात हमें ध्यान रखनी है कि वन बाई थ्री जो था वो केवल इस वाले सिग्मा के साथ था, तो या तो आप सिग्मा सेपरेट कर दीजिए, या तो आप सिग्मा को सेपरेट कर दीजिए, या वन बाई थ्री हमें इसके साथ देखना है, ठीक है ना, क्योंकि वन बाई थ्री इसके साथ लिखा हुआ है, इस वाले सिग्मा के साथ है वन बाई थ्री, ध्यान रखिएगा। तो अगर मैं इसको सेपरेट ना करूं, सेम ही लिख लूं तो ज्यादा बेटर दिखाई देगा मुझे, राइट, अगर मैं इसको साथ में ही लिख लूं तो ज्यादा बेटर दिखाई देगा, तो वन बाई थ्री इसके साथ ही लिख लेते हैं हम लोग, है ना, ताकि सिग्मा की प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी, यहां पर वन बाई थ्री लेते हैं और यहां पर वन बाई थ्री लेते हैं, राइट। अब क्या करें, अगर हम देखें सिग्मा एन इज इक्वल टू फोर से लेके इन्फिनिटी में, तो यहां पे थ्री टाइम्स एन माइनस टू का फैक्टोरियल इसका एलसीएम आएगा, तो यहां पे तो एन प्लस वन बनेगा, पर यहां पे माइनस का थ्री बन जाएगा अगर मैं एलसीएम लूंगा, तो अल्टीमेटली आ जाएगा सिग्मा एन इज इक्वल टू फोर से लेके इन्फिनिटी, न्यूमरेटर में बचेगा एन माइनस टू डिवाइडेड बाई थ्री टाइम्स एन माइनस टू का फैक्टोरियल। अब वन बाई थ्री बाहर निकाल सकते हैं, n बराबर 4 से लेके इनफिनिटी, n माइनस टू से n माइनस टू का फैक्टोरियल, n माइनस टू से n माइनस टू कैंसिल हो जाएगा, यहां बचेगा 1 अपॉन n माइनस थ्री का फैक्टोरियल बचेगा, तो ये देखिए 1 बाई थ्री, अगर मैं 4 पुट करूंगा तो 4 पुट करूंगा तो 1 अपॉन कितना बनेगा 1 फैक्टोरियल, प्लस 1 अपॉन कितना बनेगा ये 5 पुट करने पर 2 फैक्टोरियल, इस तरह से चलता जाएगा। ये किसका एक्सपेंशन लिखा हुआ है, ये e का एक्सपेंशन नहीं है बेटू, ये किसका एक्सपेंशन है, e माइनस 1 का, क्योंकि e की बार x का एक्सपेंशन होता है 1 plus x upon 1 factorial plus x square divided by 2 factorial, पर ये 1 upon 1 factorial से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए एक्सपेंशन e minus 1 का है। तो फाइनल आंसर जो इस क्वेश्चन का आएगा वो कौन सा ऑप्शन आएगा, ए ऑप्शन, चेक करते हैं ए ऑप्शन क्या है हमारे पास, तो ए ऑप्शन है हमारे पास e minus 1 divided by 3। तो होपफुली आपको दोनों सवाल जो मैंने करवाए दोनों ही पीवाईक्यू थे और दोनों ही बड़े जबरदस्त सवाल थे और लेटेस्ट सवाल थे बिल्कुल अभी पीवाईक्यू में पूछे गए। तो सर एक्सपोनेंशियल सीरीज में हमें एक बात समझ में आ गई सर कि e की पावर x और e की पावर माइनस x के साथ खेलना है और जितना अच्छे से हम खेलेंगे उतने अच्छे से हमसे सवाल हो जाएंगे। तो डरना नहीं है अब एक्सपोनेंशियल के सवाल देख के, है ना, हम कई बार क्या होता है कि एक्सपोनेंशियल के सवाल देख के डर जाते हैं कि यार इस तरह का सवाल और यहाँ पे एक्सपोनेंशियल सीरीज सर पहचाने कैसे, कई बार तो हमें पता भी नहीं लगता। अब जैसे ये वाला सवाल आया इसमें भी ये लग रहा है कि एक्सपोनेंशियल सीरीज लगेगी तो प्रॉब्लम तो आती है थोड़ा सा, बट मुझे लग रहा है अब ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट है। यस और नो कमेंट में जरूर बताना, क्या एक्सपोनेंशियल सीरीज से आपका डर खत्म हो गया और आगे बढ़े हम लोग। तो एक सवाल मैं आपके लिए भी लेके आया हूँ, है ना, एक सवाल आपके लिए भी बच्चों, तो इस सवाल को सॉल्व करना है, ये भी पीवाईक्यू है और कमेंट सेक्शन में जरूर जवाब देना है इसका आंसर क्या आएगा। थैंक यू सो मच फॉर पेशेंस लिसनिंग एवरीवन, हैव अ गुड डे, बाय बाय।